और चेहरे पे भी नूर। ओ नूर लहसन आए हैं। समझ नहीं आती, फिल्म स्टार नूर आई है। फिल्म स्टार जल्दी से बुलाओ ना फिर। बबली इधर हो, तू ले गया जरा, ले गया जरा। मैं लेके आता हूँ। आइए मैम, आइए, वेलकम टू द होम। देखे तो सही, आए आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी आमद में हमने कार्टून लगाए हुए हैं, देखें। अच्छा मैंने सुना आप कमरा किराए पे दे रहे हैं, मुझे भी चाहिए। आपको आपका कमरा किस तरह का? मतलब सारी की सारी फैसिलिटीज है उसके अंदर। टीवी भी है, विद अटैच बाथ है, और क्या क्या है, खाना भी मिल सकता है। वॉशरूम में वो जो बेसन वाली टूटी है ना, हाँ जी, वो नहीं है बाकी। हाँ, उसकी दीवारें भी नहीं है, उसकी छत भी नहीं है, तो ये कोई कमरा थोड़ी हुआ। मेरी बात सुने, हमने कमरा देना है। ये ऐसी मजाक शजाक करते रहते हैं, आप एक दफा देख लीजिएगा। बहुत अफसोस है, घर में मेहमान आए, उनसे खाने पीने के लिए पूछने भी नहीं दे रहे आप। मैडम तो वो आते ही उन्होंने आके कमरे की बात कर दी ना। मैडम क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? चाय पी लूंगी। हाँ चाय पी लें आप, बहुत अच्छा। देखा, अच्छा उनको पता है हमारे घर का। हमारी बेइज्जती करवा रहे इतने बड़े मेहमान से। अपना नूर साहबा जी, आपके पास टूटा हुआ 1000 रुपया है। चाचू चाचू, तुम मेरे गेस्ट आए होते, आप क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा मैम, मैंने सुना आप फिल्म बना रही हैं। जी, अगर आपको हीरो की जरूरत पड़े ना तो एक दफा देख लीजिएगा अपने दाएं, दाएं तो नहीं बाएं देख लीजिएगा। तेरा इशारा मेरे वाले नहीं, ये बदला नहीं बाज आएगा आपका चाचू। ले मैम, मैं आपके लिए चाय लेकर आया, अच्छी सी बेहतरीन सी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर द मूवी, इट्स पॉजिटिव बिकॉज इट वॉज टोटली अ डिफरेंट फिल्म एंड a very family oriented sort of a movie. Jee. So that was very nice. Thank so uske baad coming again movie. Jee. Making a movie again? Yes, I'm working on a script aur script likha ja raha hai 2 movies ka. Okay, so it's going and to be... the movies would be of romantic. Maybe romance comedy? Because main khud ek romantic aurat hoon, I believe ki har cheez honi chahiye usme, aapka romance bhi ho, isme aapka drama bhi ho, emotions bhi ho, to mujhe ek pura package hai, us tarah ki film banaungi. मैंने सुना फिल्म बड़ी मुश्किल से बनती है, पहले स्क्रिप्ट वाले को बनाओ, फिर प्रोड्यूसर को बनाओ, फिर हीरो को बनाओ, फिर हीरोइन को बनाओ, सारे मान जाते हैं, तो मुझे बनाए ना। अच्छा आप, आपको आपको क्या स्क्रिप्ट लिखने के लिए बनाऊं या फिर प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं, मेरे लिए आपने सिर्फ 3 अल्फाज बोलने। क्या है वो? कबूल कबूल कबूल। आपकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगी? ये तो विद द डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी दैट यू हैव, व्हिच पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी दैट यू लाइक द मोस्ट? टिल नाउ तो मतलब क्योंकि नया एक चीज की डायरेक्शन, तो अभी तो फेवरेट वो हुई हुई है, आई वांट टू बी अ डायरेक्टर। मेरा ख्याल में जितने साल मैंने काम किया है बचपन से, मुझे जब तक याद है मैंने आंख खोली तो कैमरा सामने देखा, सो मैंने आई हैव सीन माय सेल्फ बिकमिंग अ स्टार, आई हैव स्ट्रगल्ड, तो आई वांट टू गिव दैट टू द न्यू कमर्स नाउ, यू नो, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है मैं उनको सिखाऊंगी तो मेरे भी इल्म में इजाफा होगा। जगा धड़कनों में समा। हेलो बबली, हाय कैसी हो? प्लीज हेलो नूर, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आप इन लोगों ने आपको तंग तो नहीं किया ज्यादा? उतरे अभी मेरे बेटे। हाँ जी, सची मुची फिल्म एक्टर है, तेरी मेहरबानी, गाल छी। मैंने सुना था कि वो न्यू टैलेंट को प्रमोट करना चाह रही है, तो मैं इसीलिए तो मिलने आई हूँ। अरे वाह, अच्छा हाँ, जब भी कभी व्हेन यू मेक द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह की अगर कोई आवाज कुछ चलती जाए तो चला लेंगी इसको? अगर देखिए, अगर आवाज अच्छी तो डेफिनेटली। व्हेन वी टॉक अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, वी नीड लॉट ऑफ ग्रूमिंग। यस वी नीड, मसला ये कि ग्रूम करना भी चाहते हैं लोग, लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते। सो थैंकफुल टू शान, शान ने मुझे पहली फिल्म में ही सारे फ्रेम्स बताए, हर चीज मुझे बता रहे थे, मुझे चांची में मतलब फ्रेम बता रहे थे कि 85 के लेंस है, तुम इतनी शूट हो रही हो, अब इतना शूट हो रहा है, तो यू नो लाइट ऐसे लेनी है, ये डायलॉग ऐसे बोलना है, तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम।
टेंशन में होती है तो कौन सा गाना गुनगुनाती हैं अपने वैसे आप? अच्छा, मेरी सोचें बड़ी डिफरेंट होती हैं, बिकॉज कभी सैड होती हैं, कभी हैप्पी होती हैं, कभी मैं पास्ट के बारे में सोच रही होती हूँ, कभी मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही होती हूँ. हैप्पी मोमेंट में मुझे चांदनी रातें अच्छा लगता है, गुनगुना रही होती हूँ. सुनाओगी तुम? नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, क्या अचानक लिखता मेरे मुँह से, आई एम सो सॉरी. वो अचानक निकल आया तो अब तो गाना तो सुनाना पड़ेगा. उनको नफरत हो जाएगी अपने इस गाने से? नहीं नहीं, ओके, मतलब आपके अपने लिहाज में है, आप सुन लें कि कैसे सुना गा रही है. सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें. अनी क्या था बबली, कैसे था? चांदनी रात तुमने इकट्ठा क्यों कर दिया? हाँ. नहीं, मुझे भूल गया ना, एक और है चांदनी रात. गाना बिल्कुल सही है, चांदनी रातें. हाँ. तारों से करे बातें. हाँ. उतर जी नहीं देर, तेरा गाना नहीं मुकना, सानू जागना ही पैना. अच्छा, मुझे लगता है गाने से ज्यादा आपको एक्टिंग करनी चाहिए. आप एक्टिंग में बड़ी हीरोइन आ सकती हैं. सीरियसली बिकॉज आपकी हाइट इतनी अच्छी है, आपकी शक्ल इतनी प्यारी है, तो आप बहुत अच्छी लगेंगी. इनके कहने का मकसद ये है कि आप, तुम्हें कसम है कि तुमने गाना नहीं गाना. नूर जी, आप मुझे थोड़ी सी एक्टिंग सिखाएंगे, एक डायलॉग कैसे डिलीवर करते हैं? सपोज ये आपके पापा हैं. ओके, दैट्स ओके. आपने इनको कहना है कि जी पापा, मैं सनी से प्यार करती हूँ. ओके, ठीक है, और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती. चलो तुम बोलोगी. ठीक है, तो आप पापा को कन्विंस करिए कि आपने इनसे शादी करनी है. ठीक है पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ. बोले पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ. पुत्र फिर से प्यार देने. वेरी गुड. देखिए, मैं उनसे वाकई में प्यार करती हूँ. ये आपने मिन्नत नहीं करनी, ये आप पापा को, आपकी आवाज में ही होना चाहिए कि पापा को आप रिक्वेस्ट भी करें लेकिन बता भी रही हैं कि आप माने या ना माने, मैं प्यार करती हूँ. आई एम गोना डू इट. यस, ये आपकी आवाज में और ये आपके एक्सप्रेशन में होना चाहिए. देखो वो फील, फील. चल ऑलराइट, ठहर जाओ, मैं नहीं वो मूड बना लेंगे. पापा, मैं उससे प्यार करती हूँ. गुड, तुम मुझसे प्यार करती हो. तुमने ये भी ना सोचा कि तुम्हारी अम्मी ने नीला सूट पहना हुआ. बेटा, मैंने जब इनसे शादी की थी ना, मैं अंधी हो गई थी. मेरे प्यार में. Oh, that's so cute, daddy. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आप सब लोगों को जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि अच्छा फेस होना बहुत जरूरी है. एजुकेशन डजंट मैटर. नो, इट मैटर्स अ लॉट. देखिए, अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो आप किसी भी चीज को समझ नहीं सकेंगे. सो यू, एनीबडी हूएवर वांट्स टू एक्ट, जितने लोग घर में हुए, आपको एजुकेशन पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद सब कुछ करना. ओके, दैट्स राइट. और उसके साथ इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, दे आर अ पार्ट ऑफ दैट. यस यस, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग. ऑब्जर्वेशन, अच्छा वो सब में नहीं होता, लेकिन exactly. वो कुछ लोगों में होता है, वो कुछ आर्टिस्ट में होता है. देखिए, एक तो आई बिलीव कि यू आर अ बॉर्न आर्टिस्ट. आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता, आर्टिस्ट को पॉलिश किया. या तो आप हैं या फिर आप नहीं है. मुझे शादी की खबरें आ रही थी, अंदर किचन में आवाजें आ रही थी. नहीं, कोई बात, शादी कौन कर रहा था? ये शादी कर रहे हैं. शादी तो अड्डी होगी. वैसे ना मैडम जी, आप शादी कर लें, बड़ा फायदा होगा. खामन का खामन, बेटे का बेटा. एक सीट का किराया भी बचेगा, ड्राइवर कंडक्टर आकेगा, बच्चा चोली च करो, बच्चा चोली च करो. लोगों को जरा शादी क्यों नजर आता है? ये आपका चेहरा ही शादी वाला प्यारा है. हर कोई आपको मेरी बस हो गई है, मेरी बस हो गई है, मेरी शाबाश की तौबा. शादी से बहुत सी गलतियां हो गई आपसे. शादी से इतनी नफरत हो जी? नफरत तरीन हो गई है. वाओ, आप तो डरा रहे हैं मुझे. नूर देखो, इस तरह मत करो. मैं जानता हूं जो वक्त गुजर गया उसे कुछ नहीं हो सकता. मैं क्या करूं, मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके पापा का इलाज करवाने के लिए. आप इस तरह मेरे साथ सलूक मत करो. क्या हो गया? देखो कम से कम, चलो तुम होमवर्क करना है, अंदर चलो बेटे अंदर. अपने घर नवा एसी लवाया, पूरी फैमिली नू पैत निकल आई. पागल ने पुठा लवाता. घर में मेहमान आए हैं साईं. कौन? फिल्म स्टार नूर हमारे घर में बैठी है. हुन सुना गई ना पति? ओए मारी ना जाई. ओए मैं मेरा सही तारुफ करा? गलत बात नहीं करनी. बड़ी इधर आओ, आपका तारुफ करवा. बड़ी मुश्किल से आई है हमारे घर में.
ਓਏ ਆ ਕੀ ਆ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸੈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਓ 20 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਸੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਜਸਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਤੁਮ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਹਾਂ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖਿਰਾਤੀ ਹੋ ਤੁਮ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਹਮ ਐਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਮ ਇਨਕੀ ਫਿਲਮ ਮੇਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬੋਬੇ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ ਰਕਮੇ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਕੈਸੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਡੈਂਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਏ ਓਹੋ ਓਏ ਹੋਏ ਤੋ ਉਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿਆ 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 ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮੇ ਤੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਤੁਮੇ ਨੂਰ ਚਾਹੀਏ ਇਤਨਾ ਬੇਸਬਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੋ ਨਾ ਨੂਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਨੂਰ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਨਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੈ ਵੋ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੋ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੋ ਹਮ ਕਿਰਾਏ ਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨੂਰ ਕੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੇ 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 ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋ ਅਭੀ ਤੇਰੀ ਅਭੀ ਤੇਰੀ ਰਹੇਗੀ ਆ ਜਾ ਆ ਕੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਆ ਪਿਆ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੇ ਬੈਰ ਉਸੇ ਕਿਉਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋ ਯਾਰ ਰਹਿਨੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਤੁਮੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤیں ਹੋਤੀ ਰਹਿਣਗੀ ਓਕੇ ਤੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਤਾ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਤੁਮ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਾਹਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨੋ ਹਮ ਹਸੀਨ ਹੋਨੇ ਕਾ ਦਾਵਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਵਸੀ ਮਗਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੋ ਆਂਖ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੇ ਉਸੇ ਉਲਝਨ ਮੇ ਡਾਲ ਦੇਤੇ ਹੈ